ना पड़े, पूरा अच्छे से फिट जाए। ये बहुत तरीके से बन सकता है। ये आज हम बेसन से बना रहे हैं, दालों से भी बनता है। यहाँ हमने ये अरबी के पत्तों को ले लिया है, किसी भी चीज़ पे आप इसको उल्टा रखिए और उल्टे साइड से ही इसमें हमको बेसन लगाना है। ये हम दाल से भी बना सकते हैं, जैसे उड़द की दाल से भी बना सकते हैं, तो उससे भी बहुत अच्छा बनता है। बेसन को पूरा लगाने के बाद आप इसको थोड़ा सा साइड से फोल्ड कर लेंगे, और इसके ऊपर हम एक एक करके भी रोल कर सकते हैं और दो तीन पत्ते रख के भी रोल कर सकते हैं। जैसे ये दो तीन पत्ते रखे और उस पर बेसन लगाते जाओ, और अब इसको साइड से मोड़ के, मतलब इसको हमको रोल बनाना है साइड से, जैसे दोनों साइड से इसके पत्तों को मोड़िए और उसके ऊपर भी बेसन लगाइए। अब इसको धीरे धीरे आप अंदर की साइड फोल्ड कीजिए, बहुत आराम से फोल्ड हो जाता है, ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं है। इसको ऐसे फोल्ड करने के बाद ऐसे ही रोल इसके बना के पहले आप सारे इकट्ठे कर लीजिए। जैसे मैंने ये बना लिए हैं सारे, अब मैं इसको एक, जो आपको एक बर्तन लेना है जिसमें पानी गर्म करने के लिए, हम इसको पहले भाप में पकाएंगे। भाप में पकाने के लिए पहले जो आपने उसके ऊपर बर्तन रखा है उस पर थोड़ा सा तेल लगा लीजिए, और तेल लगाने से क्या होगा कि जिसको हम इसको पतौड़ को इसमें रखेंगे तो ये चिपकेगा नहीं। अब ऐसे ही इसको सेट कर लीजिए जितना इसमें आ रहा है, और इसको फिर सेट होने के बाद इसको बंद कर लीजिए। और फिर और जो आपके पास, अगर जैसे मोमो वगैरह के डब्बे होते हैं और है बर्तन, तो उसके ऊपर आप दोबारा से रखिए, उस पर फिर से तेल लगाइए और उसके ऊपर फिर से इनको रख दीजिए। अब इसको आपको नीबी तो आधे घंटे के लिए सीखने देना है, और ये थोड़ी देर बाद आपको पता लग जाएगा, ये फूले फूले से दिखाई देंगे। इनको थोड़ा सा पलट भी लीजिए दोनों को, जैसे मैं पलट रही हूँ। अब पलटने के बाद क्या है, इसको हम बाद में निकाल के इसको कट कर लेंगे। इसको अब हमने ठंडा कर लिया है, और ठंडा करने के बाद अब हमने इसको कट कर लिया है। आप इसको मतलब इस तरह से भी काट सकते हैं और उसके छोटे टुकड़े भी कर सकते हैं। यहाँ हमने लोहे की कढ़ाई ली है, और तेल गर्म करने के बाद हमने थोड़ा डाला है इसमें जखिया, और थोड़ा सा डाला है जीरा। उसके बाद हमने डाला है इसमें अजवाइन डाली है थोड़ी सी, वो स्वाद को अच्छा बना देती है। इनको सब थोड़ा सा ये गरम हो जाए, उसके बाद हमने जो ये पतौड़ काटे थे उनको एक एक करके आप इसमें डाल दीजिए। सारे पतौड़ डालने के बाद आप इसको ऐसे ही सेकते रहिए, और जब तक ये करारे से ना हो जाए तब तक इसको इसमें रहने दीजिए। और ये थोड़े से आपको करारे से और लाल से दिखेंगे, तभी ये खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ऊपर से आप इसमें थोड़ा सा अमचूर और डाल दीजिए, उससे इसका स्वाद और बढ़िया हो जाता है। और ये इसको आप किसी भी तरह से खा सकते हैं, मतलब चाय के साथ भी ले सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं। देखिए देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, और ऐसे ही खाने में भी बहुत टेस्टी है। एक बार बना के खाइए और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।